हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए। यहाँ वीडियोस का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ सारे क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे, विषय हमारा है हिंदी और हिंदी में हमारा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? सफिक्स। अब ये सफिक्स या प्रत्यय पढ़ने से पहले इसके जो पहले की वीडियो थी, लास्ट वीडियो थी, उस वीडियो को हमने देखा था। उसमें हमने देखा था उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग की व्याख्या देखे थे और उपसर्ग के प्रकार देखे थे। अब अगर आप सभी लोगों ने उपसर्ग को समझा है तो हमें उसके दूसरे पास या दूसरे पहलू को, जो पहलू है प्रत्यय, हमें प्रत्यय भी आना चाहिए। तो आइए देखते हैं प्रत्यय की तरफ कि प्रत्यय हम कहते किसे, ठीक है। तो जो शब्द शब्दांश के पीछे लगकर शब्द में परिवर्तन लाता हो तो वह प्रत्यय कहलाता है। मतलब क्या, कोई भी शब्द हो, वो शब्द कहाँ लगना चाहिए? किसी शब्द के पीछे लगना चाहिए, ठीक है। तो जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगता है और उसके पीछे लगने से अगर किसी शब्द में परिवर्तन आ जाता हो तो वह क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे यहाँ लिखा आई, ये सब क्या है? प्रत्यय के एग्जाम्पल है। आई, आन, आओ, फिर आहट, इया, अन, ये सब क्या है? प्रत्यय के उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इतना ही समझाती हूँ। फिर उसके बाद में आपको ये वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि प्रत्यय हम किसे कहते हैं और हम प्रत्यय को कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कि किसी एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, 9th 10th के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में कहीं भी पूछ लिया जाए कि कोई शब्द दे देगा और पूछ लिया जाए कि शब्द में प्रत्यय पहचानिए, तो ये वीडियो देखने पर आपको आइडिया आ जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे आई है, ठीक है, हमारी डेफिनेशन क्या है कि शब्दांश के पीछे लगा हुआ शब्द होना चाहिए। तो ये आई है। अब यहाँ पे लिख लिखा हुआ है तो लिख में अगर हमने आई लगाया तो क्या बना? लिखाई। इसी तरह से ये पढ़ लिखा हुआ है, पढ़ के पीछे अगर आई लगा तो क्या हो गया? पढ़ाई। नया शब्द बना ना, पहले लिखा हुआ क्या था? लिख, लेकिन अब क्या हो गया? आई हमने लगाया तो क्या बन गया नया शब्द? लिखाई, शब्द में परिवर्तन हो गया। उसके बाद में जैसे यहाँ पे पढ़ लिखा हुआ था और पढ़ में अगर हमने आई जोड़ा तो क्या बन गया? पढ़ाई। उसके बाद में सेकंड है आन, ठीक है, ये भी क्या है? प्रत्येक एक प्रकार से उदाहरण ही है। तो ये आन हम कहाँ जोड़ेंगे? मिल। जैसे मिल लिखा हुआ है तो मिल क्या था कि नया शब्द है, लेकिन अब इस मिल में अगर हमने आ जोड़ दिया तो इसमें भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, तो वो क्या कहलाया? प्रत्यय कहलाया। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है लग, लग दूसरा शब्द है, ठीक है, लेकिन लग में अगर हमने आन जोड़ा तो क्या हो गया? कुछ नया परिवर्तन हो गया शब्द में, तो क्या बन जाएगा? लगान। ओके, थर्ड जैसे आओ, अब बह में अगर हमने आओ जोड़ा तो क्या बना नया शब्द? बहाव। फिर उसी तरह से अगर ये कट में अगर हमने आओ जोड़ा तो क्या बना? कटाव। इसी तरह से ये आहट है, आहट में अगर ये चिल्ल है, चिल्ल में अगर हमने आहट जोड़ दिया तो नया शब्द क्या बना? चिल्लाहट। इसी तरह ये दूसरा भी एग्जाम्पल है, जैसे ये गर्म है, गर्म में अगर हमने आहट जोड़ा तो क्या बन गया? गर्माहट। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है इया, अगर इया में हमने, ये घट है, घट में अगर हमने इया जोड़ा तो ये ट की मात्रा में अगर ये जुड़ेगा तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? घटिया। इसी तरह से ये बड़ है, बड़ में अगर हम ई की मात्रा लगा देंगे या इया लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? बढ़िया। लास्ट एग्जाम्पल है अन, ये ढक लिखा हुआ है, ये क में अन लगा हुआ है, ठीक है, ये क में क्या है? अ है, तो ढक्कन नया शब्द बना। उसके बाद में जैसे मक है तो ये अगर हम अन लगाएंगे, ये ख में अन हो गया तो क्या बनेगा नया शब्द? मक्खन। तो ये पूरा क्या है? प्रत्यय की एग्जाम्पल है और उसके साथ साथ में उसकी व्याख्या भी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।